प्रिय विद्यार्थियों, मैं नम्रता पांडे, सहायक प्राध्यापक हिंदी। हम इसके पूर्व के स्लाइडों में भ्रमर गीत के 16 पदों की व्याख्या देख चुके हैं। इस स्लाइड में हम उसी कड़ी को आगे बताते हुए पद क्रमांक 17 की व्याख्या देखेंगे। इस संपूर्ण पद में 17वें पद में सूरदास ने कथात्मक शैली के तहत भ्रमर गीत की महत्वपूर्ण बातों को संक्षेप में कह दिया है। कथा का सारांश कुछ इस तरह है कि प्रारंभ में प्रेम और ज्ञान योग संबंधी विवाद को लेकर गोपी और उद्धव के बीच संवाद को बताया गया है। उसके पश्चात गोपियों के प्रेम और भक्ति मार्ग पर उद्धव के ज्ञान मार्ग की पराजय को बताया गया है। पराजित उद्धव का प्रेम मग्न होकर मथुरा लौटना और उद्धव द्वारा कृष्ण के समक्ष गोपियों की भक्ति और प्रेम की महत्ता का गुणगान बताया गया है। अंत में कृष्ण का उद्धव से व्यंग गर्भित शैली में यह पूछना, क्या वे गोपियों को योग सिखाए हैं। इस तरह संपूर्ण सार रूप में जो सूरदास हैं उन्होंने संक्षिप्त रूप में भ्रमर गीत की पूरी बातें इस पद में दोहरा दी हैं। व्याख्या देखते हैं। उद्धव को उपदेश सुनो कि निकाने दे। जब उद्धव जी मथुरा से ब्रज आते हैं तो उद्धव के आगमन पर सभी गोपियाँ शोर मचाती हुई, हल्ला करती हुई उनके पास पहुँच जाती हैं। और ऐसे शोरगुल के माहौल में उद्धव जो अपना ज्ञान देने वाले रहते हैं वह स्पष्ट सुनाई नहीं देता। तो उसमें से किसी एक गोपी ने कहा कि हे गोपियों, हे सखियों, उद्धव जो कुछ कह रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक क्यों नहीं सुनती हो। उद्धव को उपदेश सुनो कि ज्ञान दे। तुम उद्धव जी जो उपदेश देना चाहते हैं उसे ध्यानपूर्वक क्यों नहीं सुनती हो। को आयो सुंदर श्याम सुजान पठायो मान दे। क्या तुम्हें मालूम नहीं है इन्हें श्याम सुंदर ने बहुत सम्मान पूर्वक यहाँ भेजा है। अरे ये तो वहीं से आए हैं जिधर हमारे कृष्ण गए हैं। को आयो उतताए जितय नंद सुवन से धारे। ये वहीं से आए हैं जहाँ हमारे श्री कृष्ण गए थे। बंसी की आवाज वह बेनुधनी होए मनो आए नंद प्यारे। बंसी की आवाज़ भी उसी तरह हो रही है जैसा कृष्ण किया करते थे। ऐसा लगता है जैसे हमारे प्रिय श्री कृष्ण आप वापस आ गए हैं। मानो हमारे प्रियतम कृष्ण वापस आ गए हैं। मनो आए नंद प्यारे ढाई सब गाली गाजी के उद्धव देखे जाए। उसकी बातों को सुनकर सारी गोपियाँ आनंद में डूब कर उधर दौड़ पड़ी और जाकर देखती हैं कि उद्धव जी आ गए हैं। ले आई ब्रजनाथ पै हों आनंद उर न समायो। उद्धव जी को देखकर सारी गोपियाँ प्रसन्नता से फूली नहीं समाती। अर्घ आरती तिलक दूब दधि माथे दीन है। सारी गोपियों ने उद्धव जी को अर्घ्य दिया, उनकी आरती उतारी और मस्तक पर दूबी और दही का टीका लगाया। कंचन कलश भराए आनी परिक्रमा की। इसके साथ ही उन्होंने सोने के घड़े स्वर्ण घट को जल से भर दिया और उसकी परिक्रमा करने लगी। उद्धव के आगमन का गोप भीर आंगन भई मिल बैठी जादव जात। उद्धव के आगमन का समाचार मिलते ही नंद के आंगन में गोपों की बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई और गोपों के आने पर उद्धव जी सभी से भेंट करते हैं। गोप भीर आंगन भई मिल बैठे जादव जात। जल झारी आगे धरी हो पूजती हरि कुशलात। गोपियों ने उद्धव के समक्ष जल से भरा पात्र रख दिया है और उनसे कृष्ण का समाचार, कृष्ण की कुशल क्षेम को पूछने लगती हैं। उसके पश्चात कुशल क्षेम वसुदेव कुशल देव की कुपजाऊ। कुशल क्षेम अक्रूर कुशल नीके बलदाऊ। गोपियों ने उसके कृष्ण का समाचार पूछने के पश्चात वसुदेव कुपजा अक्रूर बलराम और श्री कृष्ण सभी का समग्र रूप से कुशल क्षेम पूछा। उसके पश्चात वे उद्धव जी के चरणों को पकड़कर बैठ गईं। गोपियों की ऐसी प्रेम विह्वलता और ब्रजवासियों के ऐसे भाव को देखकर उद्धव जी प्रेम मगन हो गए। पूछी कुशल गोपाल की रही सकल गही पाए प्रेम मगन उद्धव भये देखत ब्रज के भय। ऐसा प्रेम ब्रजवासियों का होगा ऐसी उम्मीद उद्धव जी को नहीं थी और इस भाव को देखकर उद्धव जी प्रेम में डूब गए, प्रेम में मगन हो गए। मन मन उद्धव कहे यह न बूझिए गोपाल ही। गोपियों की
इस प्रेम विभलता को देखकर वे मन ही मन कहने लगे, श्री कृष्ण की यह बात समझ में नहीं आती। ब्रज के हेतु विसार जोग सिखत ब्रज बाल ही। वे ब्रज प्रेम को भुलाकर ब्रज बालाओं को योग की शिक्षा देना चाहते हैं। यह सब सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। पाती बाच न आवई रहे नयन जल पूरी। भावुकता में उनकी आंखें आंसू से भर जाती हैं और उद्धव जी उस पत्र को नहीं पढ़ पाते जो पत्र कृष्ण ने ब्रज में गोपियों के लिए भेजा था, क्योंकि उनके नेत्र तो आंसुओं से भर चुके थे। तब इत उत बहराए नीर नयनन में सोख्यो, ठानी कृथा प्रबोध बोली सब गुरु समुख्यो। तब गोपियों की प्रेम दशा को देखकर उनके ज्ञान का गर्व नष्ट हो जाता है। वे इधर उधर की बातें करके अपने को बहलाते हैं और साथ ही अपने नेत्र के आंसुओं को सुखाने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात सभी को गुरु की भांति सहेज कर रखे ज्ञान का उपदेश देने के लिए बुलाते हैं। ठानी कथा प्रबोध बोली सब गुरु समुख्यो, जो व्रत मुनिवर ध्यावही पर पावही नहीं पार। उद्धव कहते हैं, हे गोपियों, तुम संसार के विषय वासना के प्रपंच को, संसार की वासनाओं को छोड़कर उस परम ब्रह्म का पालन करो, उस परम ब्रह्म के व्रत को सीखो जिसे श्रेष्ठ मुनिगण सदैव मनन करते हैं, लेकिन फिर भी वे जिसे पार नहीं पाते हैं। उद्धव की इन बातों को सुनकर सुनी उद्धव के वचन रही नीचे करी तारे। गोपियाँ उद्धव की इन बातों को सुनकर गोपियों की पुतली नीचे हो गई, अर्थात उन लोगों ने अपने नेत्र को नीचे झुका लिया है। मनोसुधा सो सींची आनी विष ज्वाला जारे, हम अबला कह जा नहीं जोग जुगती की रीति। उनकी दशा ऐसी लता के समान हो गई है जिसे पहले अमृत से सींच कर बाद में विष की ज्वाला से जला दिया गया हो। तात्पर्य यह है कि उद्धव ने पहले तो मीठी मीठी बातें की और गोपियों को अमृत वाणी से शीतल कर दिया, अब उसके पश्चात ज्ञान उपदेश की कड़वी बातें कहकर उनके मानस को वो कष्ट पहुंचाते हैं। गोपियों ने उद्धव को उत्तर देते हुए उत्तर दिया, हम अबला कह जान ही जोग जुगती की रीति। हम अबला नारियां हैं, हम सामान्य स्त्रियां हैं, योग की युक्तियों को, योग की बातों को, हम गंभीर बातों को हम क्या जाने। भला श्री कृष्ण के व्रत को नंद नंदन व्रत छाड़ के, श्री कृष्ण के व्रत को, श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़कर कौन को लिखी पूजा भीति, कौन दीवाल पर चित्र बनाकर उसकी पूजा करे। हम सभी तो कृष्ण के रूप की पुजारी हैं, आपके निर्गुण ब्रह की कौन उपासना करे। आगे गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, अविगत आगहु अपार आदि अवगत है सोई, आदि निरंजन नाम ताहि रंजय सब कोई। हे उद्धव, तुम्हारे ब्रह्म तो अज्ञेय अग्राह्य अपार आदि रूपों में सर्वप्रथम जाने गए हैं, और जिसका नाम तो आदि निरंजन नाम ताहि रंजय सब कोई, जिनका नाम तो आदि निरंजन या माया रहित है पर उसे प्रसन्न करने की सभी चेष्टा करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जो सुख और दुख के विकारों से रहित है, जिसे सुख और दुख दोनों का एहसास नहीं, उसे कैसे प्रसन्न किया जाए। और इस ब्रह्म का स्थान तो नैन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म को वास, इस ब्रह्म का स्थान तो नेत्र और नाक के अग्र भाग में, अर्थात जो त्रिकुटी कहते हैं वहाँ यह ब्रह्म रहता है। अविनाशी विनसे नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। आगे गोपियाँ कहती हैं, यह ब्रह्म अविनाशी है और इसका कभी नाश नहीं होता, यह सहज ज्योति प्रकाश है, भला इन लोगों का मन वहाँ कैसे टिक सकता है। अविनाशी विनसे नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश, घर लागे और घर ही कहे मन कहाँ बंधावे। यह सहज ज्योति रूप कैसे एक जगह पर टिक सकती है, वह तो घूम कर अपने ठिकाने लगती है। अर्थात यदि हम अपने मन को ब्रह्म की उपासना की ओर लगाते हैं तो यह मन घूम फिर कर फिर से श्री कृष्ण के प्रेम में ही डूब जाता है, तन्मय हो जाता है। इस भटकाव की स्थिति में इस मन पर नियंत्रण पाना मूर्खता है। मूर्ख ज़्यादा जात है हम ही सिखावत जोग। गोपियाँ कहती हैं, भला कोई अपना घर छोड़कर दूसरों को अपना घर कहाँ बताए। भाव यह है कि कृष्ण की उपासना को छोड़कर हम अपना सच्चा उपासक किसे कहें।
उसकी दशा तो उस गृहिण घर के बिना रहने वाले व्यक्ति की तरह हो जाएगी जो यहाँ से वहाँ भटकता ही रहता है। उद्धव जी को वह कहती है, मूर्ख जादव जात है हम ही सिखावत जो। उद्धव जी तो मूर्ख हैं जो हमें योग की शिक्षा देते हैं, वे हमें भ्रमित बताते हैं, हमको भूल कहत हैं, हम भूल की धो लो। परंतु ऐसा लगता है वे हमें भ्रमित बताते हैं, हमको तो ऐसा लगता है कि लोग ही भूले हैं, हम नहीं भ्रमित हैं। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उद्धव के दोनों नेत्र गोपियों से भी अधिक अंधे हैं, अर्थात उनको दोनों नेत्रों से सुझाई नहीं पड़ता है। गोपी ते भयो अंध ताहि दुहलोचन, ऐसे ज्ञान नैन जो अंध ताहि सूझे धौं कैसे। जिनके ठीक ही है, दोनों वो गोपियों से भी अधिक अंधे हो गए हैं, और ठीक भी तो है वो ज्ञान नेत्र से अंधे हैं, यानी जिनकी बाह्य आँखों के साथ उनके मन की आँखें, उनके हृदय की आँखें भी फूट चुकी हैं। ज्ञान नेत्र से अंधे हैं जिनकी बाह्य आँखें फूट चुकी हैं, तो उनको क्या सूझेगा, उनको कैसे दिखाई पड़ेगा, ये तो शास्त्रगत बातों को बताते हैं। बूझे निगम बोलाई के कहे वेद समझाए, वेद वाली बातों को हमको समझाते हैं, लेकिन हम इनसे पूछती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हम इनसे पूछती हैं, बूझे निगम बोलाई के कहे वेद समझाए, आदि अंत जाके नहीं हो कौन पिता को माए, चरण नहीं भुज नहीं कहो उखल किन बांधो। भला बताओ, जिस ब्रह्म के आदि और अंत का पता नहीं है, उसके माता पिता कौन है यह पता नहीं है, तुम ही बताओ जिसके चरण और मुख नहीं है उसे ओखली में किसने बांधा। बिना चरण के कोई कैसे बांध सकता है, नेत्र नासिका तथा मुख विहीन उसने कैसे दही को चुराया। नैन नासिका मुख नहीं चोर दधी कौन खांदो, चोरी दधि कौन खांदो, चोरी करके दही को किसने खाया। कौन खिलायो गोद में किहे कहे तोतरे बैन, ऊधो ताके न्याव हो जाहि न सूझे नैन। हम बूझती सद्भाव न्याय तुम्हरे मुख साँचो, प्रेम नेम रस कथा कहो कंचन की काचो। अर्थात हमारे कृष्ण साकार रूप हैं, तभी उन्होंने साकार रूप में सारी लीलाएं करी, वो निराकार नहीं हो सकते, वो निराकार है ही नहीं। यही नहीं, उन्हें जिसने गोद में खिलाया, और किसने उनकी तोतली वाणी का प्रयोग किया, किसने उनकी तोतली वाणी को सुना। यदि अगर सरल शब्दों में कहें तो वो निराकार हैं, तो फिर यशोदा ने उनको गोद में कैसे खिलाया, और कैसे उन्होंने अपनी तोतली वाणी से नंद और यशोदा अपने माता पिता को रिझाया होगा। गोपियाँ कहती हैं, ये उद्धव ये बातें तो उसी के लिए उचित होंगी जिसे नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ता। उधो ताके न्याव है जाहि न सूझे नैन, जिसे नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हम तो सहज भाव से पूछती हैं। हम पूछती सद्भाव न्याय तुम्हारे मुख साँचो, प्रेम नेम रस कथा कहो कंचन की काजो। हम तो सहज भाव से पूछती हैं, इसका सच्चा न्याय तो तुम्हारे मुख से ही हो सकता है, इसकी सच्चाई का निर्धारण तो हमने तुम्हारे ऊपर छोड़ रखा है कि तुम इसमें क्या निर्णय देते हो। हमारा कहना यह है कि हमने प्रेम और तुम्हारे योग में किसे स्वर्ण कहें और किसे कंचन कहें, कौन स्वर्ण है और कौन कंचन है। योग तथा नियम की साधना तो उसके लिए करनी चाहिए जिसे सिर देकर भी प्राप्त किया जा सके, यानी जो हमको कठिन से कठिन साधना से मिल सके, लेकिन तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की तो बात ही अलग है। प्रेम नेम रस कथा कहो कंचन की कांचो, जो को पावे शीश दे ताको कीजे नेम। आगे कहती हैं, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की बात ही भिन्न है, सिर देकर भी इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे गोपियाँ उद्धव से कहते हैं, मधुब हमारी सौ कहो जोग भलो कीधो प्रेम, प्रेम प्रेम से होए प्रेम से चारे ही जय, प्रेम बंध्यो संसार प्रेम परमारथ पै, एके नेचे प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल। हे उद्धव, तुम्हें हमारी सौ है, तुम्हें हमारी कसम है, बताएं कि योग और प्रेम में कौन श्रेष्ठ है, कौन उत्तम है। वास्तव में तो प्रेम प्रेम से होता है, अर्थात अगर हम प्रेम मार्ग के अवलंब से प्रेम प्राप्त कर प्रेम मार्ग के अवलंब से ही प्रेम की प्राप्ति करते हैं, और प्रेम के रास्ते पर चलकर ही भाव सागर पार किया जा सकता है।
देखा जाए तो सारा संसार ही प्रेम के बंधन में, प्रेम बंधियो संसार प्रेम परमारथ पय। देखा जाए तो सारा संसार प्रेम के बंधन में बंधा हुआ है, यहाँ सब प्रेम का नाता है और प्रेम से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। एक है निहचे प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल, जीवन मुक्ति रसाल प्रेम के जरिए ही हमको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। निश्चय ही एकमात्र प्रेम से ही रसमय जीवन का मोक्ष, रसमय जीवन मुक्ति रस। एक है नीचे प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल, एकमात्र प्रेम से ही हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। सच्चा और अटल प्रेम ही, और इस सच्चे और अटल प्रेम से ही नंदलाल की भी प्राप्ति होगी। साचे निहचे प्रेम हो जो मिले हैं नंदलाल, हमको नंदलाल भी इसी सच्चे प्रेम के रास्ते पर चलने से मिलेंगे। गोपियों की ऐसी अटल भक्ति को देखकर, अटल प्रेम को देखकर उद्धव को अपना नियम अपना योग सब कुछ बिसर गया, भूल गया और वे श्री कृष्ण के गुणों को गाते हुए कुंजों में आनंदमग्न घूमने लगे। साँचे नीचे प्रेम को जो मिल ही नंदलाल, सुनी गोपिन को प्रेम नेम उधो को भूलियो, गावत गुण गोपाल फिरत कुंजन में खुलियो। वे घूमने लगते हैं, वे कृष्ण के गुणों को गाते हुए कुंजों में आनंद कुंजों में आनंदमग्न होकर घूमने लगते हैं। वे एक क्षण गोपियों का पैर पकड़ते हैं और कहते हैं, क्षण गोपिन के पग धरे धन्य तिहारे नेम, धाए धाए द्रुम भेट ही हो उधो छाके प्रेम। धनि गोपी धनि गोप धन्य सुरभि बनचारी, धन्य धन्य सो भूमि जहाँ बिहरे बनवारी। वे कहते हैं, हे गोपियों तुम्हारा यह प्रेम धन्य है, तुम महान हो। कभी वो प्रेम मत होकर ब्रजमंडल के वृक्षों को भेटने लगते हैं, जहाँ कृष्ण के संबंध भाव से कृष्ण हैं ऐसा सोचते हुए वे कृष्ण वृक्षों को गले लगाते हैं और गोपियों से कहते हैं, गोप धन्य है गोपी धन्य है, वन में चरने वाली ये गाय धन्य है, और साथ ही यह ब्रज भूमि भी धन्य है जहाँ श्री कृष्ण विचरण करते हैं। मैं तो यहाँ गोपियों को ज्ञान का उपदेश देने आया था। उपदेशन आयो हूँ तो मोहि भयो उपदेश, ऊधो जतिपति पै गयो किए गोप को वेश। मैं तो यहाँ गोपियों को उपदेश देने आया था, किंतु इसके विपरीत आज गोपियों के प्रेम का उपदेश मुझे मिला है। अर्थात मैं अब तक ज्ञान के मद में भ्रमित था, लेकिन गोपियों के सच्चे मार्ग, सच्चे प्रेम मार्ग से ही मुझे, सच्चे प्रेम मार्ग से ही मुझे शांति मिली है। इस प्रकार उद्धव जी गोप भेष में श्री कृष्ण के पास मथुरा गए और वहाँ वे श्री कृष्ण के जतुपति नाम को भी भूल गए। ऊधो जतुपति पै गए किए गोप को भेष, भूलियो जतुपति नाम कहत गोपाल गोसाई। श्री कृष्ण के यदुनाथ नाम जदुपति नाम को भी भूल गए और उनको उसके स्थान पर गोपाल गोसाई कहकर पुकारने लगे। वे श्री कृष्ण से कहने लगे, आप एक बार पुनः ब्रज जाकर गोपियों को दर्शन दीजिए। एक बार ब्रज जाहु देहु गोपिन दिखराई, पुनः उनको अपना दर्शन दें। आप भला गोकुल के ऐसे सुख को छोड़कर यहाँ कैसे बस गए? गोकुल के सुख छाड़ी कहाँ बसे हो आए? आप यहाँ कैसे बस सकते हैं, क्यों बस गए हैं? कृपावंत हरि जान के हाँ ऊधो पकड़े पाए। इतना कहकर श्री कृष्ण को भक्त वत्सल जानकर उनके पैरों को उद्धव जी ने पकड़ लिया। वे मन ही मन अपने ज्ञान गर्व को सोचकर लज्जित हुए जा रहे थे। उद्धव को अब ब्रज प्रेम को, उद्धव के इस ब्रज प्रेम को देखते हुए अपनी योग साधना अब अच्छी नहीं लगती। वे प्रेम में इतने गदगद हो गए हैं, देखत ब्रज को प्रेम नेम कछु नाहिन भावे, उमड़ियो नयननी नीर बात कछु कहत न आवे। प्रेम में इतने गदगद हैं कि उनके नेत्रों में प्रेम से अश्रु भर गए हैं और उनसे कुछ भी कहते नहीं बन रहा है। आंसुओं के कारण उनकी वाणी थम सी गई है, उनकी वाणी रुक गई है। सूर्य श्याम भूतल गिरे रहे नयन जल छाए, पोछी पीत पट सो कहियो आए जोग सिखाए। उनसे कुछ कहते नहीं बन रहा है और वे इस प्रेम विवल अवस्था में श्री कृष्ण के सामने पृथ्वी पर धरती पर गिर गए हैं। भूतल गिरे रहे नयन जल छाए, श्री कृष्ण ने अपने पीले वस्त्रों से पोछी पीत पट सो कहियो।
श्री कृष्ण अपने पीताम्बर से उनके नेत्रों के आंसुओं को पोंछते हैं और साथ ही व्यंग गर्भित वाणी में उनसे पूछते हैं, आयो योग सुखाए, क्या गोपियों को योग सिखाए। यह संपूर्ण पद विद्यार्थियों, संपूर्ण पद में सार रूप से भ्रमर गीत को कहा गया है। इसमें योग मार्ग की तुलना में भक्ति और प्रेम मार्ग की महत्व को दर्शाया गया है। हर्ष जड़ता जैसे संचारी भाव की संपूर्ण पद में प्रधानता है। ब्रजभूमि गोप गोपियों के बीच के प्रेम संबंध का मार्मिक निरूपण इस संपूर्ण पद में किया गया है। धन्यवाद।